तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जेर इंतमाम और चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के इश्तराक से आज़मीन हज का ये तरबियती इज्तिमा अकबर फंक्शन था जहाँ अलहम्दुलिल्लाह चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद गुज़िश्ता 15 साल से मुसलसल पाबंदी के साथ मिला नागा इस तरबियती इज्तिमा का इंतमाम कर रहा है। अल्लाह ने हमें अपने मेहमानों की खिदमत की तौफीक अता फरमाई, हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतिहास का तरबियत इज्तिमा इंतहाई कामयाबी के साथ जारी है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मर्द खवातीन शरीक हैं। नीचे मर्द हज़रात के लिए और ऊपर की मंजिल में खवातीन के लिए इंतजाम किया गया है और तमाम हमारे साथियों ने मिलकर बहुत मेहनत की है। आज़मीन हज की खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। पानी का और जोहर के बाद इंशाल्लाह दौड़ने का भी उनका इंतजाम किया गया है। इब्तदा से तकरीबन कई घंटों से तरबियती इज्तिमा जारी है। सदर नशीन हज कमेटी और हाजीपेट के सदर नशीन मौलाना गुलाम अफजल खुसरो बियाबानी साहब ने इब्तदा में खिताब किया। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह यहाँ से जो हैदराबाद से आज़मीन है वो मदीने शरीफ जाएंगे और मदीने शरीफ से सुन्नत रसूल के मुताबिक इंशाल्लाह हज अदा करेंगे और इस मरतबा आज़मीन हज को 200 आज़िम पर एक खातिमुल हुज्जाज की सहूलत रखी गई है। इसके बाद मौलाना सैयद मोहम्मद अली कादरी अल हाशमी ममशाद पाशा साहब तुबला सदर मरकजी मजलिस कादरिया और मौलाना हाफिज़ इरफान कादरी साहब नायब अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी साहब सदर मरकजी अंजुमन सैफुल इस्लाम मौलाना अब्दुलरहमान हसन कादरी साहब खलीफा हजरत सदरुलियो और मौलाना डॉक्टर सैयद उवैस बुखारी साहब ने भी इज्तिमा से खिताब किया और अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद के इंतराज से और हमारे तमाम साथियों की मेहनत काविश की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा कामयाब तरीन आमतौर पर एहराम के दौरान बहुत से लोग इस तरह का मुजाहरा करते हैं कि जिसमें जाहिर हो जाता है। अगर ये तरीके के मुताबिक आप एहराम बांधेंगे तो जिसमें बिल्कुल जाहिर नहीं होगा। लेकिन आप सीधी तरफ अपने लेफ्ट हैंड से ऊपर के एहराम के बात किया बराबर हो गए। इस तरफ एक हिस्सा इसको अंदर करिए, ये कभी भी हटेगा नहीं। हम जिसम कहीं से भी नजर नहीं आ, पीछे से भी नहीं और सामने से भी नहीं। इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना होगा कि यहां पर आप एक हिस्सा एहराम का जो एक हिस्सा है इसको आप जमा करें। जमा करके